वंदे मातरम, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी के नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद कल शपथ लेंगे। यूपी के 8 नव निर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान शपथ लेंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, दर्शना सिंह, बाबूराम निषाद शपथ लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सुरेंद्र नागर, डॉक्टर के लक्ष्मण भी शपथ लेंगे। राधा मोहनदास अग्रवाल, संगीता यादव कल शपथ लेंगी। पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने कहा कि ज्ञान की नगरी काशी में शिक्षा पर मंथन देश को नई राह दिखाएगा। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने कहा ज्ञान की नगरी काशी में शिक्षा पर मंथन देश को नई राह दिखाएगा। आगे उन्होंने कहा कि काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को ही माना गया है। इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो उससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जहाँ पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए नई दुनिया बन रही है। देश के अमृत संकल्पों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है, हमारी युवा पीढ़ी पर है। हमारे यहाँ उपनिषदों में भी कहा गया है, विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। और इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। और मुझे विश्वास है कि अगले 3 दिनों तक यहां जो चर्चा और विमर्श होगा उससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्रभावी दिशा मिलेगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी
भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है। अगर हम हमारे देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें, हमारे यहां शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी और बनारस तो मेरी काशी तो इसका जीवंत उदाहरण है। बनारस ज्ञान का केंद्र केवल इसलिए नहीं था क्योंकि यहां अच्छे गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे, बनारस ज्ञान का केंद्र इसलिए था क्योंकि यहां ज्ञान और शिक्षा बहुआयामी मल्टी सेक्टरल थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। नए भारत के निर्माण के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण, आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश उतना ही जरूरी है। जो पहले कभी नहीं हुआ, जिन लक्ष्यों को पाने की देश ने कल्पना भी नहीं करता था, वो आज के भारत में हकीकत हमारे सामने निर्माण हो रही है। अब आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम न केवल इतनी तेजी से उभरे बल्कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए एक नई दुनिया तैयार हो रही है। पूरा अंतरिक्ष उनके बाहुपास में आ रहा है दोस्तों। अभी तक स्कूल, कॉलेज और किताबें ये तय करते आए थे कि बच्चों को किस दिशा में जाना है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अब युवाओं पर दायित्व और बढ़ गया है और इसके साथ ही हमारी भी ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम युवाओं के सपनों और उड़ान को निरंतर प्रोत्साहित करें, उसके मन को समझे, उसकी आकांक्षाओं को समझे, तभी तो खाद पानी डाल पाएंगे। उसे समझे बिना कुछ भी थोपने वाला युग चला गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। विधान परिषद में किसी दौर में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह के कार्यकाल के खत्म होने के साथ विधान परिषद में कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी को यूपी के उच्च सदन में बहुमत मिल गया है, जबकि सपा से नेता प्रतिपक्ष का पद भी छीनने की आशंका है क्योंकि सदन में सपा के केवल 9 सदस्य रह चुके हैं। देखिए एक रिपोर्ट। यूपी संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं होगा। कांग्रेस के विधान परिषद के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह का कार्यकाल 6 जुलाई को पूरा हो रहा है। इसके बाद कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सदस्य सदन में नहीं होगा। विधान परिषद से रिटायर होने वाले सदस्यों में 10 सपा, 2 बीजेपी, 2 बसपा और 1 कांग्रेस के शामिल हैं। दीपक सिंह जून 2016 में विधान परिषद के लिए चुने गए थे।
यूपी विधान परिषद विधानसभा का गठन 5 जनवरी 1887 को हुआ था, जबकि इससे पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका था। 1910 में बाबू गंगा प्रसाद वर्मा उस 7 व्यक्तियों में से थे जिन्होंने 1885 में मुंबई में कांग्रेस की स्थापना की थी। 1910 में ही मोतीलाल नेहरू विधान परिषद के सदस्य बने थे। आगे उन्होंने 2 सम्मेलनों में कांग्रेस की अध्यक्षता की। देश की आजादी के बाद विधान परिषद में नेता सदन का आसन ज्यादातर कांग्रेस के पास ही रहा। हालांकि जनता पार्टी के समय 1977 से लेकर 79 तक और 79 से लेकर 80 तक नेता सदन का पद कांग्रेस के पास नहीं था। 1989 के बाद कांग्रेस का यूपी विधान परिषद में लगातार सीट कम होती चली गई। 18वीं विधानसभा के चुनाव में उसके केवल 2 सदस्य ही चुनाव जीते हैं। इस स्थिति में कांग्रेस के लिए विधान परिषद की सीट निकालना संभव नहीं था, ना ही किसी दूसरी पार्टी का उसके लिए आमंत्रण था। विधान परिषद में 100 सदस्यों में 38 का चयन विधानसभा के सदस्य करते हैं, 36 सदस्य स्थानीय निकाय के जरिए चुने जाते हैं और 16 ग्रेजुएट अध्यापक क्षेत्र से चुने जाते हैं। 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के जरिए किया जाता है। विधान परिषद में कांग्रेस की कई ऐसी शख्सियत रही हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री भी बने हैं। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1924 से 1929 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। इसी तरह राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री संपूर्णानंद भी विधान परिषद के सदस्य रहे। राज्य की बागडोर संभालने वाले चंद्रभानु गुप्त, एनडी तिवारी, सुचेता कृपलानी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्रीपति मिश्र भी विधान परिषद में रहे। कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन तलाश रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी से रायबरेली की सीट हासिल की थी। इस सीट पर सोनिया गांधी ने जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारा झटका लगा। उसे रामपुर और महाराजगंज की परिंदा सीट ही हासिल हुई। इसके साथ ही विधान परिषद में अब उसका कोई सदस्य नहीं है। इस तरह कांग्रेस के पास यूपी में 1 सांसद और 2 विधायक है। दूसरी तरफ सपा से भी विधान परिषद में नेता विपक्ष का पद छिन गया है। नेता प्रतिपक्ष के लिए सदन में 10 सीटें जरूरी हैं, यानी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के पास भी 10% सीट होना जरूरी है। सपा के पास अब केवल 9 सीटें बची हैं। इस समय सपा के लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष है। 5 सदस्य पुराने हैं जबकि 4 नए जीत कर आए हैं। लोकसभा की नियमावली में स्पष्ट है कि नेता प्रतिपक्ष में 10% सीट जरूरी है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। उत्तर प्रदेश हर साल भीषण बाढ़ आपदा से प्रभावित होता है। आपको बता दें कि प्रदेश के 75 जिलों में से 40 जिलों को बाढ़ के प्रति संवेदनशील और अति संवेदनशील जिलों के रूप में बांटा गया है। इसलिए ये जरूरी है कि बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए प्रदेश और जिले स्तर पर पूर्वाभ्यास और क्षमता का निर्माण करने के उद्देश्य से नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इसी के अनुरूप ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन 3 चरणों में करेगा। आपको बता दें कि 1 जुलाई को कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फ्रेंस, 5 जुलाई को टेबल टॉप एक्सरसाइज और 7 जुलाई को मॉक एक्सरसाइज में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस मॉक एक्सरसाइज में IRS प्रणाली को एक स्वरूप प्रदान किया गया। पीलीभीत में आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अलर्ट हो चुका है, जिसके चलते जिलाधिकारी पुलकित खरे और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने धर्मगुरुओं और संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की। इस दौरान धर्मगुरुओं और संभ्रांत नागरिकों से त्योहार पर शांति बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही किसी प्रकार के अफवाह और भ्रामक खबरों पर ध्यान न देने को भी कहा गया। इसी दौरान अफवाह फैलाने वालों की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को देने की अपील की गई। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि जनपदीय पुलिस शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। इसके साथ ही धर्म गुरुओं से वार्ता करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की गई।
एक महीने तक चलने वाले सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान पेयजल, साफ सफाई, चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कांवड़ मेले की तैयारी में बैठक को संबोधित भी किया गया। इसी दौरान डीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा सफल बनाने में सभी का सहयोग आवश्यक है, जिसके चलते प्रशासन हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने भदेश्वरनाथ मंदिर को जाने वाली सड़क को 3 दिन के अंदर पूर्ण कराने का निर्देश पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया है। साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि कांवड़ियों के आने जाने वाले मार्ग में पड़ने वाले गड्ढों को तत्काल भरवा दे। विद्युत विभाग को निर्देश दिया है कि भदेश्वरनाथ मंदिर मार्ग पर सड़क के बीच में पड़ने वाले खंभों को हटवा दे। साथ ही नगर पालिका परिषद बस्ती नियमित रूप से मंदिर की साफ सफाई सुनिश्चित करे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नगर पालिका वहाँ स्थान स्थान पर डस्टबिन रखवा दे और रोजाना कूड़ा एकत्र करने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करे। बस्ती में आगामी जो श्रावण मास है उसमें कई सारे त्यौहार पड़ रहे हैं, उनके संबंध में चर्चा हुई और बकरीद का त्यौहार है, साथ ही मुहर्रम का महीना आ गया है तो उसके संबंध में जो भी हमारे बंदोबस्त हैं उन बारे में चर्चा करी गई है। इसमें सभी लोग आए थे जिनसे हमने इस जनपद बस्ती में क्या इन सभी आयोजनों में क्या पूर्व प्रथा रही है इस बारे में चर्चा करी गई और साथ ही उनकी क्या क्या पुलिस प्रशासन से क्या अपेक्षाएँ इस बारे में चर्चा की गई। सभी ने अपना सहयोग पुलिस प्रशासन को देने का वादा किया है और हमने भी यह हमारा भी प्रयास रहेगा कि जो भी अपेक्षाएं हमारे नागरिकों की हमारे प्रशासन से और पुलिस से है हम उस पर खरे उतरे। खबर गोंडा से है जहां संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है कि बाढ़ से कैसे निपटा जाए, बाढ़ में फंसे लोगों को कैसे बचाया जाएगा, जिसके चलते मॉक ड्रिल किया गया। आपको बता दें कि तरबगंज तहसील क्षेत्र के जैतपुर माझा गांव में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें जिलाधिकारी और बाढ़ खंड के अधिकारी के साथ आपदा के अधिकारी, एसडीआरएफ और पीएससी के एम्बुलेंस की टीम मौजूद रही, जिसमें अगर एकाएक नदी में पानी आ जाता है तो जिला प्रशासन किस तरीके से गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएगा, साथ ही लोगों के रहने खाने की क्या व्यवस्था की जाएगी, जो लोग नदी में फंसे हैं उनको किस तरीके से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाएगी, इन सब चीजों का अभ्यास किया गया, जिसमें आपदा के अधिकारी के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिंचाई विभाग के साथ बाढ़ खंड के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज यूपी के 40 डिस्ट्रिक्ट्स में एसडीएमए के तत्वाधान में एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए तीनों के सहयोग से ये मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज किया जा रहा है। हम लोग आज जनपद गोंडा के सरयू नदी के किनारे जैतपुर माझा गांव में उपस्थित हैं। यहाँ पे बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है, जब भी जल का ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ा जाता है या सरयू में ज़्यादा पानी आता है तो अचानक से ही बाढ़ आती है यहाँ पे, तो उसी को लेकर हम लोगों ने मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किया है। इसके लिए हमारी टीम पूरी यहाँ मौजूद है, हमारे एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, हमारे मेडिकल विभाग की टीम, पशु चिकित्सा विभाग की टीम, राहत किट डिस्ट्रीब्यूशन की टीम और एसडीएम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर्स ने एक घर पर हमला बोलकर लाठी डंडों से कई महिलाओं को लहूलुहान कर दिया। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बावजूद आपको बता दें कि छिबरामऊ कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स पर 151 की धारा लगाई। वही पीड़ित पक्ष, जिसमें कई महिलाएं घायल हुई, उन पर गंभीर धारा लगाकर जेल भेजने की तैयारी कर ली। इस घटना में घायलों ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पिता का कुछ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद समझौता हो गया। घटना वाले दिन घर पर सिर्फ महिलाएं थी। हमलावर अशोक अलबर्ट, जो कि हिस्ट्री शीटर है, और विजय विनीत ने लाठी डंडों से महिलाओं की जमकर पिटाई की। हमले का विरोध करने जब पीड़ित पक्ष पहुंचा तो उन पर भी दबंगों ने लाठियों से वार कर दिया। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाते हुए घायलों ने बताया कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर पर मामूली धारा लगाई और गंभीर घायलों पर गंभीर धारा लगा दी। सबसे ना लोगों पापा से कुछ ऐसी मोचावर हो गई होगी, बोलोगी पता नहीं। फिर एक बार समझौता हो गया, दोबारा हम अपने अकेले थे घर पर, मैं और मेरे दो भाई। उन्होंने घर पे आके हम तीनों को पीटा है। हमारे चाचा जी से इससे पहले सक्सेना लोगों से कुछ बहस हुई थी, मारपीट हुई, लेकिन समझौता हो गया कोतवाली में। और शाम को आते ही पहले गाली गलौज की, घर पे कोई नहीं था। हमारी बहन और दो भाई और थे, तो घर पे कोई ना होने के कारण पहले गाली गलौज की, फिर घर पर आकर उन सक्सेना समाज के सभी लोगों ने मारपीट की।
जौनपुर के होटल में अवैध कारोबार की सूचना पर एसडीएम सदर हिमांशु नागपाल ने होटल मैनेजर से पूछताछ की, जिसमें ये पता चला कि होटल के पास न तो सराय का लाइसेंस और न तो फायर की एनओसी है। इसके बाद एसडीएम ने होटल को सील कर दिया। वही इस कार्रवाई से अवैध कारोबार करने वाले होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ये ऐसा कुछ कई समय से वहाँ के आसपास सजनपुर गांव में जो सिटी स्टेशन के सामने कुछ लोगों द्वारा कई समय से इसी सूचना दी जा रही थी, शिकायत की जा रही थी, कुछ अवैध गतिविधियाँ वहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन किए और कुछ वो किए होटल का संचालन किया जा रहा है और कुछ अवैध रूप से गतिविधियाँ वहाँ की जा रही हैं। तो इस संबंध में एक आज जाँच की गई और कुछ सूचना भी आई थी, परंतु जब वहाँ गए तो कुछ कोई गेस्ट मिले नहीं। बताया गया आज पड़ोसी द्वारा कि वहाँ से तत्काल रूप से भाग गए थे लोग। तो जब जांच की गई तो ना तो वहाँ नक्शा स्वीकृत था उनका, ना सराय का लाइसेंस था, ना फायर की एनओसी थी, और वहाँ होटल चलाया जा रहा था, इसलिए तत्काल रूप से वहाँ सील करा दिया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।